हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं लाया हूँ दो बाइकों का कंपैरिजन। थंबनेल एंड टाइटल देख के आपने सही गेस कर लिया है, दोनों R15 यामाहा की बाइकें हैं और V3 एंड V4 है। तो एक है 16 एनिवर्सरी एडिशन और एक है V3 वेप्त नाम है जिसका। और एक भाई की उनका चैनल सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि भाई अभी उनके साथ बहुत ही गंदा मैंने प्रैंक कर दिया था, तो उसके चक्कर में मेरे को मार भी पड़ सकती है उस ब्लॉग में। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा वो चैनल। और तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोनों बाइकें और दिखाता हूँ आपका दोनों बाइकों के मतलब क्या क्या चेंजेस है और क्या लुक वाइज क्या है, क्योंकि काफ़ी भयंकर लुक वाइज आ रही है। और तो एक बार मैं चेकआउट करा देता हूँ आपको दोनों बाइकें। और काफ़ी तो देख सकते हैं गाइस मेरे पास है यामाहा की R15 V4 एंड V3। तो दोनों गाड़ी बहुत ही भाई लुक वाइज बहुत ही बढ़िया आई हैं। और भाई V3 एंड V3 का पावर भाई बहुत ही ज़्यादा मानने वाला बाइक का पावर है और काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो मैं दिखाता हूँ आपको V4 16 एनिवर्सरी एडिशन कि क्या क्या इसमें भाई मतलब आए हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं इसके जो अलॉयस है जो गोल्डन फिनिशिंग में दी गए हैं भाई वो काफ़ी बढ़िया है। और इसमें देखते हैं बेबर के ब्रेक मिल जाएंगे आपको, काफ़ी बढ़िया डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे आपको, ABS कंट्रोल मिल जाएगा आपको और USD फोक सस्पेंसर मिल जाएंगे। और लुक वाइज काफ़ी बढ़िया बाइक है जो कि आपको दिखेगा पूरा और काफ़ी बढ़िया लगती है भाई। और इसका जो सबसे पसंदीदा है वो लोगो भाई, सबका सिल्वर आता है, इसका गोल्डन आता है, ये देख सकते हैं मैं सामान में, तो इसका देख सकते हैं सिल्वर है तो इसमें गोल्डन कर दिया गया। और काफ़ी लुक भाई गाड़ी काफ़ी बढ़िया आ रही है, देख सकते हैं गोल्डन अलाव के साथ बहुत ही बढ़िया है। और पीछे निसेन के ब्रेक मिल जाते हैं आपको, आगे बेबर्स के, और 18.4 पावर की न्यूटन पावर मिलती है इसमें। तो भाई तो लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लगती है। और इसमें यहाँ पे प्रोजेक्टर मिल जाता है आपको बीच में, और देख सकते हैं लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लगती है। और इसमें आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलता है जो कि, और आ जाते हैं अगर R15 V3 की तरफ, देख सकते हैं ये है V3 R15 की यामाहा की V3। और इसमें पहले तो विंगलेट लगी है जो कि लुक वाइज बहुत ही बढ़िया लगती है, गाड़ी बड़ी लगने लगती है। तो और इसका नाम है रैप्त गाड़ी का भाई, और जो भाई की है तो भाई चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, भाई कब से बता रहा हूँ। तो भाई ने इंडिकेटर्स इंस्टॉल कराए हैं एक तो अलग से, लुक वाइज बहुत ही बढ़िया। और एक ये देख सकते हैं क्रैश गार्ड जो कि मतलब थोड़ा भाई लगता है भाई क्रैश करने के लिए। और लुक वाइज भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अभी दोनों का मतलब देख सकते हैं V4 एंड V3 एक साथ खड़ी हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी ज़्यादा लुक वाइज अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें 20.4 पावर का न्यूटन हॉर्स पावर मिल जाता है और उसमें 18.4 पावर न्यूटन का हॉट पावर मिल जाता है। तो भाई ये भी चीज़ें हैं। और डिस्क ब्रेक एंड इसमें ABS नहीं आता है, और दोनों में ABS ये दो। तो भाई इसमें भी ABS आता है, बाकी क्विक शिफ्टर नहीं है, उसमें क्विक शिफ्टर है। तो ठीक है, तो भाई दोनों गाड़ियों का फील लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका मीटर जो कि है, दिखाते हैं आपको। तो भाई इसका मीटर, तो इसका मीटर थोड़ा भाई आपको बड़ा थोड़ा दिख जाता है उसके मुकाबले, इसके मीटर बड़ा नहीं है भाई, नहीं है वो मेरे को मतलब हाइट में बड़ा है और मतलब वेथ में थोड़ा छोटा लगता है, बट फिर भी। और तो देख सकते हैं काफ़ी भयंकर तरीके से भाई एकदम, तो देख सकते हैं। और इसके उधर आते हैं अगर तो R15 की V4 की तरफ, तो इसका मीटर आपको ये देख सकते हैं, इसका भी काफ़ी बढ़िया लग जाता है। तो इसमें ये सब दे देते हैं इंडिकेटर, ABS यहाँ दिखा रहा है, सारी चीज़ें लेने जा रहे हैं भाई V3 का। और इसका स्टॉक वॉइस भी सुनाएंगे आपको आगे चल के। और जो ये छपरी बाइक की आवाज़ आ रही है भाई, इसका पूरा हटा देना क्योंकि, तो इसको लेके चलते हैं। और लुक वाइज काफ़ी बढ़िया आती है भाई बाइक, तो देखते हैं और चलाते हैं। फील भाई काफ़ी बढ़िया है, और V3 में ज़्यादा पावर है भाई V4 के मुकाबले, क्योंकि मेरे ख्याल से V4 कभी नहीं हरा पाएगी V3 को अपने मुकाबले के भाई, क्योंकि भाई बहुत ही दवाईदार इसमें पावर थी भाई और अभी भी है भाई, क्योंकि इस बार इसमें खाली आपको वो नहीं मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल और क्यूक शिफ्टर नहीं मिलेगा, बाकी तो सब चीज़ मिलती है। तो इसको भी खोल लेते हैं, मिरर खोलना ज़रूरी है भाई। और तो गाइस इसका फील लेने के लिए हम लोग आ चुके हैं जनेश्वर पार्क के गेट नंबर 6 की तरफ, और इसको भी एक बार मैं भगा के देखूंगा कि कितना मतलब मेरे से जाती है। तो अभी तो हम इधर ही आए हैं, तो गेट नंबर 6 पे पहुंच गए हम लोग बिल्कुल ही, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो एकदम इसको लेके चलते हैं इधर से, और तो काफ़ी बढ़िया भाई बाइक है इसके मुकाबले। और तो फोर्थ गियर में ये, तो देख सकते हैं भाई काफ़ी बढ़िया है भाई लुक वाइज एंड
ये काफ़ी बड़ी बाइक लगती है भाई, V4 थोड़ी मतलब छोटी एंड पतली कर देते, स्लिम कर देते, मगर ये थोड़ी भाई। और इसका एक बार आवाज़ सुना देता हूँ आपको यहाँ रोक के, क्योंकि वहाँ पे तो भाई आवाज़ सुना ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग पूरा वो कर दे रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक बार आवाज़ सुना देते हैं, यहाँ पे इसको लगाते हैं एक बार, और इसका स्टॉक वाइज और लुक वाइज भाई बाइक आपको दिखाई दी है, काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट तो काफ़ी बढ़िया भाई वॉइस है, और वर्जन 3.0 है, 3.0 मतलब कहते हैं जिसको। तो लेके चलते हैं उधर ही अपने, और फिर आपको लेके आते हैं V4 को, लेके आते हैं उसको, ड्राइव करते हैं। और उसका भी फील देंगे आपको। तो वो खड़ी है अपनी V4, जो कि मतलब जिसको हम लोग लेके आना है हमको। और तो इसको लेके चलते हैं अब। भाई जब हम चलाने जा रहे हैं V4, जिसमें आता है ABS कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें स्विच ये वाला, ये देखते तो छपरी गाड़ी भी आवाज़ निकाल रही है। तो चलते हैं इसको लेके और इसका फील बताते हैं। इसमें भाई देख सकते हो क्यूब शिफ्टर है, और इसकी वजह से पावर भाई तो काफ़ी बढ़िया लगता है भाई इसको भगाने में। और इसे तो अपना पूरा हाथ भी सेट हो गया है, तो इसमें कोई डर वर नहीं है थोड़ा। और उसे थोड़ा डर लगता है क्योंकि भाई वो V3 है इसमें भाई पूरा, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप बताइए कमेंट करके कि कौन सी बाइक आपको ज़्यादा अच्छी लगी, V3 की V4, क्योंकि भाई V3 एंड V4 का लुक वाइज भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं। और जो इसका 16 एनिवर्सरी वाला कलर है भाई बहुत ही कम है, लखनऊ में पहली डिलीवरी इसी बंदे ने ली थी, जो कि जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो फर्स्ट डिलीवरी ऑन लखनऊ है। तो काफ़ी भाई मतलब प्राउड की बात है भाई कि पहली बाइक वो भी लखनऊ की हम ड्राइव कर रहे हैं, R15 यामाहा। तो एक बार यहाँ पे इसको खड़े होकर आपको ओवर ऑफ लुक दिखा देते हैं गाड़ी का, यहाँ लगाते हैं गाड़ी और ओवर ऑफ लुक आपको दिखा देते हैं दोनों गाड़ियों का, इसका और उसका तो दिखा ही चुका हूँ। तो भाई लुक वाइज ये गाड़ी ये कुछ दिखती है, और यहाँ जनरेशन नंबर तो काफ़ी बढ़िया लगती है भाई गाड़ी। वाइज भाई गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, जो कि ओवर ऑफ लुक दिखा देता हूँ। इसके बारे में मैं फुल डिटेल डाल चुका हूँ भाई, चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पर भाई, मिल जाएगी आपको। और कुछ नहीं है काफ़ी मतलब ये चीज़ नहीं दिखती, मैट फिनिशिंग दे दी है यहाँ पे, एंड कुछ ज़्यादा जिसमें चेंजेस नहीं कराए गए हैं भाई, ना मॉडिफिकेशन है कोई भी भाई, जो स्टॉक में आता भाई वही रखा है, क्योंकि अभी न्यू गाड़ी है तो भाई कोई मतलब वो नहीं कराते हम लोग, तो थोड़ी पुरानी होने देते हैं, फिर इसमें मॉडिफिकेशन धीमे धीमे आ जाएगी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर से इसका भी फील ले लिया है। आप कमेंट करके बताना कि क्या ये भाई थोड़ी मतलब स्लिम लगती है मेरे को, वो थोड़ी चौड़ी लगती है। तो देख सकते हैं क्यूब शिफ्टर, देख सकते हैं भाई पाँचवा गियर बिन मतलब क्लच दबाए, देख सकते हैं छठा गियर बिन क्लच दबाए। तो ये होता है क्यूब शिफ्टर का फ़ायदा, इसलिए इसको क्यूब शिफ्टर कहते हैं। और बिन क्लच दबाए आप रेस ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं भाई। और इसका प्राइस है 2,25,000, उसका था 1,90,000, तो भाई प्राइस में भी डिफरेंस है भाई काफ़ी। तो भाई प्राइस के हिसाब से भाई गाड़ी का कलर एंड मतलब लुक वाइज बहुत ही बढ़िया दी गई। और इसका एक बार यहाँ साउंड सुनाता हूँ आपको, यहाँ पर तो यहाँ सुनाऊंगा आपको इस बाइक का साउंड, जो कि नहीं सुनाने लायक रहेगा। तो गाइस यहाँ पे एक बार आपको इसका बाइक का साउंड सुना देते हैं। तो गाड़ी का एक बार साउंड आपको पूरा सुना देते हैं कि कैसा साउंड है इस बाइक के साथ। तो डूम 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 कर रही है ना, मज़ा भाई उसी का है, पैसा वसूल चीज़ है भाई। और मैंने भी लेने की सोची है, तो हम भी ले लेंगे जल्दी, आपको सरप्राइज़ मिलने ही वाला है। उसके लिए भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि आप लोग पूरा सपोर्ट करिए भाई, और काफ़ी बढ़िया लगती भाई भाई। तो यहाँ पे हैं खड़े हैं लड़के, तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया। तो आई हो ये यूम, तो आई होप ये ब्लॉग पसंद है, तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप यू।